Hey guys, what's up? Avinash here and welcome to Mind and Muscle Connection. तो जिम जाना शुरू कर दिया है, फैट लॉस को भी लेके सीरियस हो गए हो। तो अब बात आती है एक किचन वेइंग स्केल खरीदने की। अगर आप इसी सोच में पड़े हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किचन वेइंग स्केल परफेक्ट है आपके लिए फॉर जनरल जिम यूज। एंड अगर आप अमेजोन खोलोगे तो आप सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन देखोगे दिस वन। दिस इज जेनरिक किचन वेइंग स्केल, आप देख सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसे खरीदना अच्छा होगा तो इसे बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि मैंने यूज किया इसे एंड 250 की तो ये आ जाती है, बट ये 2-2.5 हफ्ते भी नहीं चलती। एक हफ्ता बाद ही इसने मेरे को गलत रीडिंग देना शुरू कर दिया था, बट मेरे को उसमें पता नहीं चला था। एंड आफ्टर 15-20 डेज इसने बहुत ही ज्यादा गलत रीडिंग देना शुरू कर दिया। आई मीन जो 60 ग्राम्स का था वो इसे 200 ग्राम का दिखाता था, एंड ये एक महीने में तो पूरा ही खराब हो गया। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप खरीद सकते हो अमेजोन से इज दिस वन। दिस इज अमेजोन बेसिक्स एंड ये आपको अराउंड 700 का पड़ेगा। एंड दिस प्रोडक्ट एक्चुअली जस्टिफाइज इट्स प्राइस, क्योंकि 700 का है एंड इसके बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच, आई मीन 5 out of 5। एंड ये थोड़ा सा हैवियर भी है एंड थोड़ा टफ भी है एज कम्पेयर टू वो 250 वाली किचन वेइंग स्केल। मैं इस किचन वेइंग स्केल को यूज कर रहा हूँ अराउंड 2 महीने से एंड इसकी रीडिंग बहुत ही परफेक्ट है। आई मीन आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो एंड इसमें 1 साल की वारंटी भी आपको मिल जाती है अमेजोन की तरफ से। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रेट वो इसे रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसके सारे फंक्शंस को। तो चलिए कर लेते हैं हम अपने किचन वेइंग स्केल की अनबॉक्सिंग एंड बहुत ही अच्छे से पैक होकर आए। एंड इसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलेगा, तो इसमें काफ़ी डिटेल में समझाया गया है कि आप कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे पढ़ेंगे नहीं हमेशा की तरह। एंड ये हमारा मेन किचन वेइंग स्केल है एंड आप देख सकते हो कि क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है एंड स्टेनलेस स्टील का टॉप है एंड प्लास्टिक बिल्ड है, बट प्लास्टिक बहुत ही टफ क्वालिटी का बना है। तो इसमें आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड एक ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले जो कि किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अच्छे से विजिबल है। तो चलिए 45 ग्राम्स के पैकेट को वे करके देखते हैं। अराउंड 51 ग्राम्स आया है क्योंकि पैकेट का भी वेट होता है। तो ये सेकंड बटन जिसे हम टेयर बटन कहते हैं, इसे दबाते ही सारी वेट वापस जीरो हो जाती है। ये तब बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप किसी कंटेनर में किसी चीज़ को वे कर रहे हो, तो आप कंटेनर का वेट माइनस कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले देख सकते हो काफ़ी ईजिली विजिबल है एंड ऑन ऑफ और टेयर बटन एक में ही है। दूसरा है यूनिट जिससे आप चेंज कर सकते हो, ओज में, एमएल में, लीटर में, केजी में आप चेंज कर सकते हो। पीछे देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही अमेजोन बेसिक्स की बैटरी है एंड इसमें 4 एंटी स्लिपरी ग्रिप्स भी दिए गए हैं ताकि टेबल पे आप अच्छे से इसे रखकर सारे वेट्स को कैलकुलेट कर सकें। सो गाइज, आई होप इस वाले वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिली होगी कि कौन सा किचन वेइंग स्केल आपको खरीदना चाहिए। आई नो थोड़ा महंगा है, बट एक बार इन्वेस्ट करो और 2 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ एंड ना कि ये 250 रुपये वाले किचन वेइंग स्केल में आप इन्वेस्ट करो। आई मीन बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, इससे अच्छा आप अपने पैसे में आग लगा लो। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्केल सेफ। चीयर्स गाइस।